हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पेंट। तो पेंट सर्च बार में पेंट लिख के उसका सर्च कर लेना है, उसके बाद पेंट को आपको खोल लेना है। तो पेंट यहाँ पे खुल चुका है और अब हम इसमें सीखेंगे पेंटिंग करना। तो यहाँ फाइल में जो आपको कॉर्नर पे दिख रहा है, ये फाइल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको न्यू पेज मिल जाएगा। नया पेज अगर आपको चाहिए ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट देना है अपने बनाए हुए ड्राइंग को, तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिप बोर्ड में कोई पिक्चर आप पेस्ट कर सकते हो यहाँ पेज पे, और कट पेस्ट कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे आपको टूल्स दिया हुआ है, इस टूल्स का यूज करके हम ड्राइंग बनाएंगे। और यहाँ पे कुछ शेप दिए हैं, शेप का यूज कर सकते हैं आप अपने ड्राइंग में। तो पेंसिल लेते हैं और हम आपको पेड़ बना के दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप आराम से पेंसिल से पेड़ बना सकते हो, और आप जो भी चाहो वो बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे पेड़ बना के दिखा रहा हूँ आपको। बहुत सिंपल होता है, आप आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे मैं पेड़ बना लिया हूँ। अब मैं इसमें बकेट से यहाँ पे बकेट वाले पेंसिल के बगल वाले टूल्स का यूज करके यहाँ पे मैं कलर भर दूंगा। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर चुना है, इस बकेट को लेना है। उसके बाद जिस कलर पे आप क्लिक करोगे वो कलर आपके बकेट में आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जाके क्लिक कर देना है, आपका ऑटोमेटिक कलर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कलर फिल कर सकते हैं। अगर गलती से आपने गलत कलर पेस्ट कर दिया है तो उसके लिए आपको कंट्रोल जेड करोगे तो फिर से एक स्टेप पीछे आ जाएगा। तो कंट्रोल जेड करके आप बैक भी आ सकते हो। यहाँ पे मैं ब्रश लूँगा एक अच्छा सा, उसके बाद थोड़ा इसको ब्रश से नीचे वाला पोर्शन को मैंने अच्छे से कलर करूँगा ताकि अच्छा दिखे। तो ये इस तरीके से आप आराम से कलर कर सकते हो ब्रश को यूज करके भी। तो और यहाँ पर आप पेड़ तैयार हो चुका है। अब हम शेप के यूज करके एक घर बनाते हैं। तो चलो अब यहाँ पे हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर को यूज करके हम एक घर बनाएंगे। ये स्क्वायर तो नहीं है, ये दूसरा है। हम यहाँ पे स्क्वायर वाला लेंगे जिसका कॉर्नर बिल्कुल 90 डिग्री पे हो। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर में अब हम यहाँ पे ब्लैक कलर चूज किया है, और यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसका दरवाज़ा बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम दरवाज़ा बना देंगे। दरवाज़ा बनाने के बाद हम यहाँ पे खिड़की लगा देंगे, और खिड़की में पार्ट कर देते हैं बीच से। इस तरीके से आप आराम से घर बना सकते हो। और एक ट्रायंगल हम ऊपर लगा देते हैं ताकि हमारा घर अच्छा दिखे। यहाँ से अब आप देख सकते हो हमारा घर समझ में आने लगा कि एक घर है। और यहाँ से हम इसको अब कलर फिल करेंगे। यहाँ पे बकेट लेंगे टूल्स में जाके, और यहाँ पे हम कलर लेके क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक कलर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कलर कर सकते हो, और यहाँ पे हमारा घर बन गया। अब हम एक यहाँ पे घर और पेड़ के बीच में सूरज बनाएंगे। तो हम यहाँ पे सर्किल को यूज करेंगे। सर्किल को हम येलो रखेंगे क्योंकि सूरज ज़्यादातर हमें येलो कलर का दिखता है तेज़ रोशनी में। तो यहाँ पे हम येलो, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हम सूरज बना लिया है, और हम अब यहाँ पे आपको कुछ लिख के दिखाते हैं। जैसे हम अपने चैनल का नाम ही लिखते हैं यहाँ पे, अनुराग टेक पीसी। तो हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखेंगे। आप अपना नाम लिख सकते हो, किसी का भी, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे आपको जिस तरह लिखना है वो लिख सकते हो। और यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है, और यहाँ पे हम सेफ का यूज करके एक आध और डिज़ाइन बना रहे हैं, एक दो और डिज़ाइन बना रहे हैं। इसको आप आराम, इसमें भी कलर आप फिल कर सकते हो। आप इस तरीके से पेंट को यूज कर सकते हो, और बहुत सिंपल होता है पेंट। पेंट स्टार्टिंग में आपको सीख लेना चाहिए ताकि आपका जब कंप्यूटर नए नए होते हो तो आपको माउस में आपका हाथ सेट हो जाता है पेंट चलाते समय। और ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
लाइक करें। मैं कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वीडियो बना के हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। अब इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ भी कहीं भी कोई भी कलर दे सकते हो। तो अभी हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। अब चलो हम इसको आपको दिखाते हैं कैसे सेव करते हैं अपने पेंटिंग को और सेव करके कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं आप दिखा देता हूँ। आगे सेव करने के लिए बस सिंपली कंट्रोल एस करोगे, यहाँ पे आपका नाम लिखने का आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा अनुराग टेक पीसी। आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हो, जिस नाम से आप फाइल को सेव करना चाह रहे हो अपने पेंटिंग को, तो यहाँ पे आप नाम लिख के बस सेव पे क्लिक कर दोगे, आपका पेंटिंग सेव हो जाएगी, आपने जो पेंट में बनाया सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हो और इसके बाद इसको आप फिर से दोबारा भी देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।